नमस्कार, मेरा नाम है नेहा तिवारी। मैं आजाद चौक रायपुर से बिलोंग करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड मिस्टर आशीष तिवारी, ट्विंस बेबीज अंशिका तिवारी एंड आरव तिवारी। ऐसा है कि हॉस्पिटल्स तो बहुत हैं रायपुर में, क्योंकि रायपुर अब हमारी एक राजधानी है, तो बहुत ही सारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और सब फैसिलिटी हमारी राजधानी में अवेलेबल है। बट जो एक्सपीरियंस मेरा आशीर्वाद हॉस्पिटल से रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहा है, क्योंकि बोलते हैं ना कि फर्स्ट पहला बेबी जो रहता है वो सारे पेरेंट्स के लिए एक खुशी, मतलब एक तोहफा बोला जा सकता है, या एक खुशी जो वो रियलाइज करते हैं। बट मेरे साथ एक वाक्या हुआ कि मेरा पहला ही बेबी मिसकैरेज हो गया। 8 मंथ में मुझे पता चला कि उसके कुछ पार्ट्स नहीं हैं, तो मतलब 8 मंथ में मेरे को उसको एबॉर्शन कराना पड़ा। उसके बाद फिर मेरा सेकेंड बेबी जब अनप्लान्ड था, मतलब मैं अचानक से जब मेरा समझ पता चला मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल गई। मैम से पता चला कि मेरे ट्विंस बेबीज़ हैं, तो मैं बहुत डर गई कि अब मैं कैसे करूँ, क्योंकि मेरा पहला बेबी तो पहले ही, मतलब वो डर रहता है ना, वो मन में था। फिर सेकेंड जब प्रेगनेंसी हुई तो फिर मैम के पास गए। मैम ने बहुत अच्छे से समझाया, बोला आप बिल्कुल मत डरिए, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए, और आप डॉक्टर हूँ मैं बहुत अच्छे से आपको ट्रीटमेंट करूँगी, और विश्वास के से आप चलिए, विश्वास नहीं खोना आप करके। फिर उन्होंने बहुत समझाया, हमको हिम्मत दी। फिर मेरा बहुत अच्छे से, मतलब मेरा 8 मतलब निकला वहाँ पे, पूरा टाइम अच्छे से मैंने स्पेंड किया। बच्चे भी मेरे एकदम अच्छे से स्वस्थ आशीर्वाद हॉस्पिटल में ही हुए, मैम की देखरेख में। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैम ही बहुत अच्छी है, पूरे स्टाफ, वहाँ की नर्स, आया मदर, पूरे स्टाफ, वार्ड बॉयज़, दवाई में जो मेडिकल वाले जो भैया, सारे एकदम हेल्पिंग, एकदम सपोर्टिंग नेचर बोलते हैं ना, वो सब उन्हें बहुत सपोर्ट किया। मैम का स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब वो हॉस्पिटल नहीं है, आप जाओगे ना वो एक परिवार है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने फैमिली में आए हैं, वहाँ पे है, बस आपको वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर को सब ट्रीट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मैम को मैं बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलती हूँ। आज तक मैं आशीर्वाद हॉस्पिटल अपने बच्चों को लेके उनके बर्थडे में लेके जाऊँगी, वहाँ पे गणेश जी की पूजा करके हम मैम से मिलके हम आते हैं। आज मेरे बच्चे 7 ईयर्स के हो गए हैं और हम आज तक मैम को धन्यवाद बोलते हैं उनके सपोर्टिंग नेचर के लिए, उनके हेल्प के लिए। हम लोग हमेशा उनको धन्यवाद करते हैं। वहाँ की दीदी, सिस्टर, आया, सबसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और आज भी उनसे फ़ोन में कॉन्टेक्ट में हूँ। तो इसके लिए मैं मैम को फिर से धन्यवाद बोलती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम, आप इतना अच्छा सबको सपोर्ट करती हैं, सबको हेल्प करती हैं, जो कभी माँ नहीं बन सकती अब उनको माँ बनने का सुख देती हैं, इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है मैम। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। एक ऊपर भगवान है और नीचे यहाँ पे सब मम्मी, सब बच्चों के लिए आप ही भगवान हैं, तो थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम आशीष तिवारी है, मेरे ट्विंस बच्चे हैं और हम बहुत परेशान थे कि हमारा फर्स्ट बेबी मिसकैरेज हो गया था, और 8 मंथ में ही हमको पता चला लास्ट मोमेंट में, तो हम उसको पा ना सके। लेकिन फिर से एक आशीर्वाद के रूप में ऊपर वाले ने हमको आशीर्वाद दिया और हम मैम के पास आए, और उस आशीर्वाद के रूप में हम ट्विंस बच्चे, हमको आशीर्वाद हॉस्पिटल से हमको मिले, और एक मैम है और एक ऊपर वाला है, दोनों के आशीर्वाद से हमें ट्विंस बच्चे प्राप्त हुए। इसी के साथ, विश्वास के साथ, नमस्कार। आशीष तिवारी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अंशिका तिवारी, क्लास 2B। मैं एक बेटी और मैं एक बेटी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। लड़कों जैसी लड़की अभी माँ के कोख में पलती है, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होकर खुलती है, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोक के जाती है, उसको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है। लड़कों जैसी लड़की अभी राम रोशन करती है, फिर क्यों वो जन से पहले मारी जाती है। बेटिया बेटिया बेटिया, सेव द गर्ल चाइल्ड, सेव द नेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।